उपराजधानी दुमका में गुरुवार को सीडब्ल्यूसी बाल कल्याण समिति ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बाशुकीनाथ में रह रही नवजात जुड़वा बच्चियों को अपने देखरेख और संरक्षण में ले लिया है। समिति ने जुड़वा बच्चियों का नामांकन करते हुए उन्हें अगले आदेश तक स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी के जिम्मे रखा है। दरअसल बासुकी के नंदी चौक के पास रह रहे किरायेदार की पत्नी ने एक माह पूर्व जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था। 25 जनवरी को अखबारों में यह खबर प्रकाशित हुई कि जुड़वा बच्चियों की मां के इलाज के दौरान मौत हो गई। सर, जरबुंडी से दो बच्ची आई है, जुड़वा बच्ची, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि दिनांक 25/1/22 को हम लोगों ने अखबारों प्रकाशित खबर के आधार पर पाया कि एक बासुकीनाथ के पास जो है एक किराए मकान में एक दंपति थे, उन्हें दो जुड़वा बच्ची हुई थी। तो बच्ची की माँ की मृत्यु हो जाने के बाद पिता जो है माँ का लाश को रखकर वहाँ से चले गए, भाग गए। उसके बाद दोनों बच्ची को उस मकान के मालकिन द्वारा उसको देखरेख शुरू किया गया और अभी तक उसको जो है कोई परिजन उसको लेने के बच्चे को नहीं आए हैं। ऐसी स्थिति में सीडब्ल्यूसी ने सर्वसम्मति से स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्णय लिया कि उक्त दोनों बच्ची को यहाँ प्रस्तुत करते हुए उसको सामने रखें और उसको देख रेख और संरक्षण प्रदान करें। अगर कोई परिजन आते हैं तो सीडब्ल्यूसी उसको देखेंगे कि एक्चुअली परिजन उनके हैं क्या नहीं है। अगर नहीं आते हैं तो इसको हम लोग एडॉप्शन में डाल देंगे। जानकारी के मुताबिक 22 जनवरी की रात जरमुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चियों की मां की मृत्यु हो गई। शव एवं दोनों बच्चियों को बासुकीनाथ स्थित उसके भाड़े के घर में लाया गया। जुड़वा बच्चियों को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित करने का निर्देश दिया गया। जरमुंडी थाना प्रभारी ने एक टीम भेजकर मकान मालिक से दोनों बच्चियों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। समिति ने दोनों बच्चियों को अपने संरक्षण में लेकर उन्हें दुमका के बक्सी बांध मोहल्ले में स्थित विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में भेज दिया गया है।